हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट आर्ट गैलरी में आपका स्वागत है। और जैसे कि परीक्षाओं का टाइम चल रहा है और इस टाइम पे जो हमारे करंट इवेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है हमारे क्वेश्चन किसी भी एग्जाम को फाइट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं 100 करंट शूटर्स करंट इवेंट्स लेके आई हूँ, 100 हैं हमारे पास। तो आज हम इनको बिना टाइम वेस्ट करते हुए इनको हम डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर तीन कथन दिए हुए हैं लगातार, इनमें से कोई दो सही होंगे, कोई एक सही होगा, हो सकता है सारे सही हों। तो इसमें से हम देखना है कि अब सपा कानून के तहत केवल संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। इस कानून के तहत सशस्त्र बलों को कानून तोड़ने वाले व्यक्ति पर गोली चलाने को भी अधिकार होता है। थर्ड पॉइंट है, अब सपा कानून को सर्वप्रथम जम्मू कश्मीर में लागू किया गया था। तो ये हमारा बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि अब सपा कानून जम्मू कश्मीर में बिल्कुल भी लागू नहीं किया गया था। अब बचे हमारे ये दो पॉइंट, क्योंकि अब सपा जो कानून था उसको भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में, उत्तर पूर्वी राज्यों में लागू किया गया था। और सबसे पहले ये 1 सितंबर 1958 को वहां पर हिंसा रोकने के लिए लागू किया गया था। असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड इत्यादि 1997 के लगभग ये भारत के पंजाब और चंडीगढ़ में भी लागू किया गया। लेकिन जब ये जम्मू कश्मीर में इसको 1990 में लागू किया गया है और तब से वहां पे लागू किया है। तो हम जब अपसपा कानून को इसमें गलत हमने इसलिए किया है क्योंकि अपसपा कानून को सर्वप्रथम जम्मू कश्मीर में लागू नहीं किया गया था। तो हमारा पहला और दूसरा पॉइंट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की गई है। पहला पॉइंट है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक, वैश्विक जेंडर गैप रिपोर्ट, समावेशी वृद्धि और विकास रिपोर्ट। तो ये सारी जारी की गई हैं, ठीक है। तो ये इसका जो पॉइंट है इसका बनेगा, तीनों सभी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की जाती हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, विश्व की सबसे उम्रदराज महिला का क्या नाम था जिनका हाल ही में 117 वर्ष की आयु में जापान में निधन हो गया है। तो उनका नाम था नवी ताजिमा। फोर्थ क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने पहली बार 100 बिलियन मार्केट कैप हासिल करने का रिकॉर्ड बनाया है। तो ये भारत की कंपनी TCS है, इसने रिकॉर्ड बनाया है, 100 बिलियन मार्केट में कैप हासिल करने का रिकॉर्ड बनाया है। पांचवा क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देश से हाल ही में किस नेता को ग्लोबल वुमेन्स लीडरशिप अवार्ड हेतु चयनित किया गया है। उनका नाम है शेख हसीना, ये बांग्लादेश के हैं। छठा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के मांडला में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की योजना की शुरुआत की है। ये MP में शुरू की गई है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय SME सम्मेलन का आयोजन किया गया है। आंसर राइट है हमारा, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में अमेरिका के विदेश मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। इनका नाम है माइक पोम्पियो। हमारा पॉइंट सी सही है। निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी को इस वर्ष का राजीव गांधी खेल रत्न दिए जाने की सिफारिश की गई है। तो वो विराट कोहली जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने 26 अप्रैल 2018 को कितने सदस्य देशों को T20 का अंतर्राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की है। तो ये है 104। किस संस्था ने अखिल भारतीय स्तर पर तरल क्लोरीन के लिए पहला लाइसेंस दिया है। तो भारतीय मानक ब्यूरो है इसका राइट पॉइंट, हम बाकी के बाद में पढ़ेंगे। किस संस्था ने अखिल भारतीय स्तर पर तरल क्लोरीन के लिए पहला लाइसेंस दिया है, नाम है भारत मानक ब्यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ IPL 11 के 24वें मैच में धीमी गति से ओवर फेंकने को लेकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कप्तान विराट कोहली पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। राइट आंसर है 12 लाख। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी किए गए वैश्विक वायु प्रदूषण डाटाबेस में निम्नलिखित में से किस भारतीय योजना का वायु प्रदूषण कम करने के संबंध में उल्लेख किया गया है।
ये है प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने चलाया है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना प्राय समाचारों में देखी जाने वाली कृषि नीति योजना के अंतर्गत सम्मिलित है, मतलब कृषि की उन्नति की योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है, तो वो कौन कौन सी है? राष्ट्रीय विकास योजना, राइट, राष्ट्रीय संधारणीय कृषि अभियान योजना, ये भी कृषि के उन्नति या विकास के लिए है, मध्यम तथा लघु सिंचाई योजना, ये हमारा गलत पॉइंट है, राष्ट्रीय फसल बीमा योजना। तो ये हमारा पॉइंट इसमें से जो हमारा आंसर सही बैठेगा पहला, दूसरा और फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन विकास योजना क्या है? तो पॉइंट चार दिए गए हैं लेकिन हम राइट वाले को पढ़ेंगे बस, कि शिक्षा स्वास्थ्य और कौशल विकास के क्षेत्र में अल्पसंख्यक समुदायों को बेहतर और सामाजिक आर्थिक बुनियाद ढांचा देने के लिए एक योजना बनाई गई है जिसका नाम है प्रधानमंत्री जन विकास योजना। हाल ही में समाचारों में दिखे भारतीय बीमा विनियमन और विकास प्राधिकरण के कार्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? आंसर हम पूरा पढ़ेंगे क्योंकि हमने इसमें से सारे कथनों में से जो राइट आंसर है उसको देखना है। यह बीमा कंपनियों द्वारा पॉलिसी धारकों के लिए निधियों का निवेश करता है, यह टैरिफ सलाहकार समिति के क्रियाकलापों का निरीक्षण करता है, गलत, यह बीमाकर्ताओं तथा मध्यस्थों अथवा बीमा मध्यस्थों के बीच विवादों का निर्णयन करता है, यह म्यूचुअल फंड्स का पंजीकरण और नियमन करता है। तो हमारा राइट पॉइंट है 1, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर्यटन विकास निगम ने किस राज्य के लिए 550 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर मेगा पर्यटन गंतव्य परियोजना के विकास के लिए एक परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं? वो स्टेट है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 6 दिवसीय यूरोप यात्रा के दौरान पहले किस देश में गए थे? सभी देशों में गए हैं लेकिन पहले कौन से देश में गए थे? स्वीडन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायु सेना द्वारा आयोजित अब तक सबसे बड़े युद्ध अभ्यास का क्या नाम है? गगन शक्ति है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2018 में भारत की आर्थिक समृद्धि दर कितनी प्रतिशत रहेगी? तो ये हमारा राइट पॉइंट है इसका 7.3% है। भारत ने मेघालय कम्युनिटी लेड लैंडस्केप्स मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के लिए विश्व बैंक के साथ कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट है हमारा 48 मिलियन डॉलर पर हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने राष्ट्रीय टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद शहजाद पर पाकिस्तान में लोकल टूर्नामेंट खेलने को लेकर करीब कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? आंसर है इसका 2.5 लाख, 2.5 लाख पे। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में गठित रक्षा योजना समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ये हैं अजीत डोवाल जी। भारत सरकार ने विदेशी छात्रों को भारत में पढ़ने के लिए प्रोत्साहन हेतु किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? कार्यक्रम का नाम है स्टडी इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 25, किस कंपनी की ओर से फोर्टिस हेल्थ केयर को 1500 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है? नाम है इसका मुंजाल एवं बर्मन परिवार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा विदेश आया प्रदेश के द्वार अभियान शुरू किया गया है? तो ये है हमारे कृषि मंत्रालय ने इसको शुरू किया है, विदेश आया प्रदेश के द्वार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब हमने से इसमें से कोई एक पॉइंट को या दो पॉइंट भी सही हो सकते हैं, हो सकता है तीनों सही हो, तो उन पर हमने देखना है और उन पर राइट या रॉन्ग का टिक करना है। क्वेश्चन पॉइंट फर्स्ट है, 2017 का सरस्वती सम्मान गुजराती कवि सीतांशु यशस चंद्र को उनके कविता संग्रह के वखार के लिए दिया जाएगा। इसका आंसर है, तो इसमें हमारा पॉइंट नंबर फर्स्ट राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे राष्ट्रीय पोषण अभियान नेशनल न्यूट्रिशन मिशन NNM के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें से हमने देखना है कि कौन सा सही है।
इसके अंतर्गत अल्प पोषण तथा संबंधित मामलों में कमी लाना, जन्म के समय बच्चों के कम वजन तथा रक्ताल्पता जैसे समस्याओं को चरणबद्ध तरीके से निपटाना, ये भी बिल्कुल राइट है। सेकंड पॉइंट है इसका, इस अभियान को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा शिक्षा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। तो ये मानव विकास जो संसाधन का है ये हमारा राष्ट्रीय स्तर पर ये इसका इसके अंतर्गत नहीं किया जाता, नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम के अंतर्गत इसको नहीं किया जाता है। तीसरा है इसके क्रियान्वयन हेतु सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को आधारभूत साधन के रूप में प्रयुक्त किया गया है, मतलब इसके लिए जन जागरूकता बढ़ाने के लिए कुछ साधनों का प्रयोग लिया गया है, आधारभूत साधनों का प्रयोग लिया गया है, सूचना और संचार के साधनों को इसमें शामिल किया गया है, तो ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, हाल ही में आरंभ की गई गोबर धन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस योजना के बारे में हम जानेंगे। नंबर फर्स्ट है, यह कार्बनिक अपशिष्ट से ऊर्जा और संपदा उत्पन्न करने पर लक्षित एक योजना है। इसे हम पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। यह खुले में शौच से मुक्त ग्रामों के लिए आगे की रणनीति की अभी कल्पना करती है। तो इसके तीनों पॉइंट सही हैं, तो इसका आंसर होगा ये सभी, पॉइंट नंबर इसका डी है ये सभी। क्वेश्चन नंबर 30 है, हाल ही में किस देश ने दक्षिण सागर में अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभियान किया है। तो जैसा भी आप न्यूज वगैरह में देख रहे होंगे तो ये चीन ने किया है ऐसा। 31, शहीद भगत सिंह को दिल्ली प्रवास में पनाह देने वाले व्यक्ति का क्या नाम था जिनका हाल ही में निधन हो गया है। शहीद भगत सिंह जो कि हमारे बहुत बड़े क्रांतिकारी रहे हैं उनको नसीम मिर्जा संगे जी ने पनाह दी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा किए गए सर्वेक्षण में कहा गया है कि अर्थव्यवस्था के मामले में भारत 2018 में चीन को भी पीछे छोड़ देगा। तो ये दावा किया है सेक्टम वेल्थ मैनेजमेंट रिपोर्ट ने कि जो अर्थव्यवस्था है हमारे भारत की इतनी पावरफुल हो जाएगी कि जो चीन है उसको भी पीछे छोड़ देगी। क्वेश्चन नंबर 33, नीति आयोग द्वारा बनाए गए पूर्वोत्तर के लिए नीति फोरम के क्षेत्र में विकास हेतु कितने सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा की गई है। 5 सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा की गई है। 34 क्वेश्चन, हाल ही में किस मुस्लिम बहुल देश के मंत्रिमंडल ने महिलाओं एवं पुरुषों के लिए समान वेतन कानून को मंजूरी प्रदान की है। ये की है UAE ने। 35 नंबर क्वेश्चन, 21वें कॉमनवेल्थ गेम्स के मेंस हैवी वेट परा पावर लिफ्टिंग स्पर्धा में पावर लिफ्टर सचिन चौधरी ने कौन सा पदक जीता है। उन्होंने कांस्य पदक जीता है। कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार महिला टेबल टेनिस प्रतिस्पर्धा का स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम की खिलाड़ी मनिका बत्रा को दिल्ली सरकार ने कितने लाख रुपए देने की घोषणा की है। 14 लाख रुपए देने की घोषणा की है। पृथ्वी की सबसे फिट महिला के नाम से जानी जाने वाली ऑस्ट्रेलियाई वेट लिफ्टर टिया क्लेयर टूमी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में कितने किलोग्राम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। 58 किलोग्राम में जीता है। 38 क्वेश्चन नंबर है, किस देश की कंपनी वीवी फ्लायर इलेक्ट्रॉनिक्स ने खर्राटा बंद करने के लिए आंखों पर पहनने वाली स्मार्ट मास्क जिसका नाम है स्नोर सर्कल बनाया है। ये चीन की एक कंपनी है जिसने खर्राटों को कंट्रोल करने वाला एक मास्क बनाया है जिसका नाम स्नोर सर्कल है। पॉइंट नंबर 39, किस देश के राष्ट्रपति ने कैच एंड रिलीज पॉलिसी को खत्म करने के लिए ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका नाम है अमेरिका के राष्ट्रपति ने किए हैं। क्वेश्चन नंबर 40, अमेरिका ने हाल ही में किस देश के सैन्य साजो सामान के निर्यात पर प्रतिबंध लगा रखा है। रूस के साजो सामान के निर्यात पर उन्होंने प्रतिबंध लगाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 41, लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश में है 3 अप्रैल 2018 को आयोजित 5वीं दक्षिण एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है। इन्होंने जीता है भारत ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 42, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 5 अप्रैल 2018 को सुपरसोनिक यात्री विमान एक्स प्लेन के निर्माण के लिए एयरोस्पेस कंपनी लॉकहीड मार्टिन के साथ
कितने मिलियन राशि का अनुबंध किया है? इनका राशि है 247.5 मिलियन। 43 दक्षिणी कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति पार्क ग्वेन हे को 6 अप्रैल 2018 को भ्रष्टाचार के मामलों में दोषी पाते हुए कितने वर्ष की सजा सुनाई गई है? 24 वर्ष की सजा सुनाई गई है। 44 क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 45 किस देश द्वारा अप्रैल 2018 माह को राष्ट्रीय यौन उत्पीड़न जागरूकता एवं रोकथाम माह घोषित किया गया है? कौन से देश में किया गया है? USA में किया गया है। बंद करिए। क्वेश्चन नंबर 46, आबिए अहमद को 28 मार्च 2018 को किस देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो ये इथियोपिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। 47 राज्यों के बीच माल ढुलाई के लिए 1 अप्रैल 2018 को किस अंतर्राज्यीय बिल का शुभारंभ किया गया है? इसका नाम है ई वे बिल। 48 क्वेश्चन, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया द्वारा राष्ट्रीय टीम के कप्तान स्टीव स्मिथ और उप कप्तान डेविड वार्नर को वॉल टेम्परिंग मामले में दोषी पाए जाने के कारण कितने वर्ष का प्रतिबंध उन पर लगाया गया है? 2 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 49, वर्ष की पहली फार्मूला वन रेस ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रीमियर 2018 किसने जीती है? ये है सेबेस्टियन वेटल। क्वेश्चन नंबर 50, विश्व बैंक द्वारा 16 अप्रैल 2018 को साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके अनुसार वर्ष 2018 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितनी रहने का अनुमान है? 7.3। ये क्वेश्चन पहले भी आया है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिस पर जरूर फोकस कीजिएगा। इससे आगे के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल रही हूँ, और वीडियो के कंटिन्यूटी रखने के लिए, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। इसी के साथ मेहनत करते रहिएगा, एग्जाम की तैयारी बहुत जरूरी है। जय हिंद, जय भारत। Thank you.